का स्पेशल अनाउंसमेंट जो बोले अनाउंसमेंट है वो तो हो चुकी जो होनी थी। ऋतिक तू करेगा या हम करें? क्या चीज वो जो तूने लॉन्च किया नई चीज। हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है आज तो, इनफैक्ट बहुत जल्दी दिन शुरू हुआ था क्योंकि वो उतना कैप्चर भी नहीं कर पाई, तो अभी रेडी हुई हूँ। अब बहुत बिल्कुल जल्दी जल्दी सफाइयाँ हो रही हैं, बच्चे खाना वाना खा रहे हैं क्योंकि आज जाना है दीदी के घर, क्योंकि आज है हमारे ऋतिक का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे ऋतिक। तो बस बने रहिए ब्लॉग को देखते रहिए, बहुत मजा आने वाला है, जो जो करेंगे दिखाएंगे आप। सौरे का आज चीट डे है, हेलो कर दो क्रेजी फैम को। और आज तो फुल ऑयल वाला एग वेग खा रहा है, साथ में गेम देख रहा है, अभी उठाएंगे। मम्मी हेलो कर दो, आज मम्मी के दोतरे का बर्थडे है, अभी उसको भी विश करते हैं। हाँ जी हेलो कर दो। और ये सौरे के तनिष के बना रही हूँ सैंडविच, फटाफट बना देती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। चलो जी अब तनिष आ चुका है, कैसा लग रहा है सैंडविच? ये इसी ने आज अनियन डाल दिया इसमें मिक्सर में, सही लग रहा है। चलो और क्लास चल रही है आपकी, ब्रेक हुआ है अभी। क्रेजी फैम को हेलो कौन करेगा और हैप्पी बर्थडे ऋतिक कौन बोलेगा? रात को केक काटेंगे शाम को उसका। और मम्मी कैसा लग रहा है धोतरे का बर्थडे आज तो? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मम्मी तो कह रही सबकी शादियां करा दो, इसकी भी शादी करा दो, ऋतिक की भी शादी करा दो। वो कह रही है मेरे जीते जीते इनकी बहुएं ले आओ, जहाँ तीन बच्चे हैं वहाँ चार बच्चे हो जाएंगे, क्या हो गया है ना मम्मी? रेडी हो चुकी हूँ, बस अभी सना पढ़ाई कर रही है, तनिष और शौले भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये थोड़ी बाद में निकलेंगे क्योंकि एक गाड़ी में वैसे भी नहीं आ सकते, ये थोड़ी देर रुक के निकलते हैं। तो हम चलते हैं, पहले चलते हैं चलेंगे वोट, मम्मी मैं कुणाल और मिस्ट्री मैन एक गाड़ी में चलते हैं और पहले खा रहे हैं पपाया, वोट देते हुए आगे निकल जाएंगे। तो फटाफट बड़ी जल्दी जल्दी हो रहा है, दीदी ने तो बोला था जल्दी आना, पर फिर भी नाना करते हैं। 1:15 हो चुका और सब जाके सेंसिबल वोटिंग करके आई हो, जिस जिसने किया प्लीज बताइएगा कमेंट करके कि सब गए कि नहीं गए। हमारी तो मम्मी भी जरूर जाती हैं, टचवुड एक्टिव है तो जाती हैं, और खैर काफ़ी फैसिलिटीज़ होती हैं, सुना है मैंने कि जो नहीं भी जा सकते उनके लिए काफ़ी आराम से लोग लेके जाते हैं। तो बस चलते हैं और देखते हैं क्या माहौल चल रहा है। ये देखो जी ये आ चुका है पपाया और काफ़ी मीठा लग रहा है। इसकी क्लास चल रही है स्पेनिश में रणवीर बरार और ये गेम खेल रहा है। इसकी क्लास के बाद आ रहे हो तुम लोग? मैं जा रही हूँ। निकल चुके हैं सवारी में, बैठ चुके हैं, निकल चुकी है सवारी। Yes. तो बस अब पहुंचते हैं, वोट दे देते हैं। माहौल दिखाना था मैंने, मैं बहुत ऐसे होता है ना त्योहार जैसा, और गर्मी बहुत और रिफ्रेशमेंट्स भी रखे हुए हैं, जैसे आप वोट दे के आ रहे हो बाहर रिफ्रेशमेंट्स भी बने हैं। अच्छा आपने खाई? नहीं मैंने नहीं पी। नहीं अच्छा। Yes. पीने को है खाने पीने को है? अच्छा हाँ गर्मी बहुत है यार, वो मोटिवेट कर रहे हैं कि लोग आओ वोट दे। नहीं यार ये तो एक ऐसा राइट है, जरूर देना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। बिल्कुल। ये देखिए देखो यहाँ रौनक दिखा, ये देखो सोसाइटी के बाहर ही यहाँ है कुछ खाने पीने का। हाँ सर हर जगह रिफ्रेशमेंट है, ये देखो लग रहा था कि कम हो गया लेकिन रश है रोड पे अभी भी। ये देखो ये रहा गवर्नमेंट स्कूल, इधर होगा, इधर होगी वोटिंग, सब भाई यही तो वो है चीज, ये मिस करने वाली चीज है ना। सही में हमारे पहले डैडी होते थे, मम्मी डैडी तो सुबह सुबह ही दे आते थे ना मम्मी। हो चुकी है वोटिंग डन यार, ये पहला निशान है जो इतना अच्छा लगता है ना, और आज खुशी हो रही थी। अंदर क्लिप बनाना अलाउड नहीं था, क्लिप फोन तो बाहर ही रख लिए थे। Yes. बट ये हमारी ड्यूटी डन, अपना भी बताना किस किसने किया दिया है वोट, ये मैं किसी को मत बताना कि किसको दिया है। चुके हैं बुआ के घर और इनको बहुत इनकी पोते के जन्मदिन की मुबारक हो आंटी, आपको ये बहुत प्यारी आंटी है, मतलब आंटी बहुत प्यारी आंटी है। तो बुआ जीजा और खुशी अभी वोट देने गए हैं, अभी अंकित भी नहीं गया, अंकित फटाफट होके आना। और कल अस्मिता सचदेव का कमेंट आया था कि वो पूछ रही थी ये कैसे रिलेटेड है हम मेरे से और दीदी से, सब पूछ रहे हैं भैया तू बताएगा, मैं भी बोलता कम है, मैं बताती हूँ। ये है दीदी की जेठानी का बेटा, जैसे तनिष मेरा है तो ये दीदी की जेठानी का बेटा है, तो बस मेरा भी वही रिश्ता है और दीदी की जॉइंट फैमिली है, जैसे तनिष मेरे लिए सेम है दीदी के लिए और मेरे लिए भी वही, तो ये बच्चे सारे इकट्ठे ही पले बड़े हैं, तो हमारे साथ ये भी दिखता रहेगा, बोलता कम है दिखेगा तो पूरा, इसी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। और क्योंकि घर का बड़ा बेटा है, सबसे बड़ा यही है, ये वोट देने गई थी जीजा, वोट देके दिखाओ जीजा, ये देखो खुशी अभी बच्चे को संभाल रही है, अभी दिखा और उसके पेरेंट्स ना उनके नेबर्स हैं, उसके पेरेंट्स गए होंगे वोटिंग के लिए, तो बच्चा तो अंदर अलाउड नहीं होगा ना, तो बच्चे को छोड़ दिया।
और जीजा जी के चेहरे का नूर देखते ही बनता है, आज होने वाली है बहुत सारी तैयारियाँ। देख हंस रहे जी भी आ चुके हैं वोट दे के, और दोनों वोट दे के आ चुके हैं। बेटे का चेहरे से बहुत बहुत तो बोला ही आपको भी, सब कमेंट कर दो, मुबारक हो जी, यही बहुत मुबारक हो आपको। बच्चे क्या है, आ चुके हैं ऊपर वाले फ्लोर पे, और ये देखो सारे वो पॉट्स लग चुके हैं, प्लांट्स लग चुके हैं सारे। और आप सब लोग एक्साइटेड हो ना, बिल्कुल हल्दी करो, मेहंदी करो, जो जो करेंगे, जो जो सब दिखेगा आपको होगा। और बस गर्मी बहुत है, पर कोई बात नहीं, छुट्टियां है बच्चों की, गर्मी की कोई बात नहीं। और हैशटैग भर दो जल्दी से, कमेंट कर दो यार, बहुत सारे आ रहे हैं। और कम्युनिटी पोस्ट डाले, उस पे जाके कमेंट्स करो। ये देखो उस दिन मिरर नहीं था यहाँ, और मुझे नहीं पता था कि यहाँ लगना भी है, पर लग गया, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो कई चीजें होंगी जो पूरी होगी, किचन शुरू हो गई दीदी। और ये देखो टिफिन भी आप लोगों के लिए, टिफिन लेके आए, जहाँ साथ जाएंगे टिफिन आइडिया तो आएगा यार। ये अभी आ चुकी यार, जो चेयर बता रहे थे आप, आते ही थम्स अप हाथ में आ चुकी है, आ चुकी है बच्चे को छोड़ के जो रो रहा था बहुत। कैसा रहा आपका पहला वोट, दिखाओ फिंगर दिखाओ। काफी गंभीर डिस्कशन चल रहे हैं यहाँ आउटफिट्स पे, तो बस अभी दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, बता सकते हैं कि थोड़े थोड़े ग्लिम्स दे रहे हैं। आज ये मीटिंग पॉइंट, आज मतलब मार्केट में नहीं जा सकते थे क्योंकि मार्केट्स बंद है। आज का दिन सिर्फ बातों में जा रहा है कि कल का दिन कैसे करना है, ताकि कस्टमाइज होने में जो 20-25 दिन लगेंगे उसके बीच में हम छोटी छोटी दूसरी तैयारियां, सॉन्ग भी फाइनल करने हैं सारे, कौन से कौन किस पे डांस कर रहे हैं, काफी हेक्टिक होने वाला है। लग नहीं रहा मुझे कुछ, यहाँ स्टूडेंट ही बड़े वो है, स्टूडेंट जैसे ऐसे होते हैं कि हार चुके हैं बच्चे। कैसी गर्मी है भैया, बढ़िया ना, होए होए। हाँ ये तू आया तो 1000। यहाँ पे लग चुका है बफे, हो और क्या मस्त, और प्लेटें प्लेट सभी पता है, खाने वाली प्लेट से मजा आ रहा है। आलू गोभी खाने वाली कौन सी, जो बॉक्सेस वाली होती है, ये दिखा, ये देख, ये वाली प्लेट, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये। और ये है राजमा, दोनों में राजमा ही है, कर्ड है, सैलड है, ये राइस कुकर में राइस है। तो बस अब मेरे को सबसे अट्रैक्टिव लगी है ये प्लेट्स। आंटी मजा आता है ना, है मुझे पहले दीदी को बोला खाएंगे नहीं, आज तो लच्छा परांठा भी चलेगा है, और शाम को खाएंगे वो भी दीदी का जो वो आता है स्ट्रीट फूड। ओहो चलो कैसे हम देखेंगे, दिखाएंगे आपको। कचौड़ी नहीं खाएगा, चलो यार, तो चीट डे पे। और कल शौर्य ने फ्रेंड के साथ जाना है, फिर कल भी, कल शायद ठीक है। आज यहाँ पे बिल्कुल ऑथेंटिक वे में, ये कहाँ से ले आई है गद्दियाँ सी है, अब वो देख लो ये बच्चे फटाफट, ये तो उसकी है जो बाहर सीट्स है। अच्छा और मैं सोचू शायद नीचे बैठ, और कितना मजा आता है नीचे बैठ के खाने में। और क्रेजी फैम हम वहाँ डाइनिंग पे बैठ सकते हैं, बट हमें यहाँ मजा आ रहा है इसलिए हम यहाँ बैठे। ये आ चुका है कुणाल, कैसी गर्मी है बाहर, और आज ये क्या है, वो परांठे लगवाने, आज लच्छा परांठा मस्त करारे, और इसको इसलिए भेजा था कि अच्छी वो अपनी हमारी पसंद से लगवा के लाए। वेरी गुड, अंकित भी आ गया, चल लड़के लड़कों को भगवान खूब सारी सेहत दे और बड़ा कर दे, बड़ा इधर आना आगे जो है। और ये देखो, और ये तो देखो इसकी चल रही है गेनिंग, मेरी चल रही है कटिंग, कटिंग मार्केट में शाही पनीर, ये अभी आया है, ये दीदी का हाथ का, बच्चे बहुत खुशी से खाते हैं ये, बन रही है मिश्री बन की थाली, सारा मजा आ गया। चीजें ले चुका है धनेश, मजेदार हुआ मास्टर, देख लो आज जैसा धनेश की प्लेट बन जाएगी वैसे शौर्य की भी बन जाएगी, सेम टू सेम, ये नक्शे कदम पे चल रहा है। ये देख लो, ये ना खा रहा था, इसको देख के ना दिल कर गया राजमा चावल खाने का, हाथ से खाने का ही मजा है वैसे राजमा का। और जिया जी की प्लेट भी मजा आ गया, इसमें राजमा चावल और क्या है जिया जी, स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है, और वो दही भी डाल दिया इसमें, मैंने डाल के दिया था। चलो चलो मजा आ रहा होगा खा के, है और सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ यहाँ किसी ने भी। शौर्य 6 दिन बाद कुछ अच्छा खाया आपने, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है, अब बाकी की 6 दिन फिर से डाइट, कल संडे है लेकिन तो आज का दिन तो कल हर्षित सैनी था ना, उनका बार बार कमेंट आया था, और मैंने आज सोचा था सुबह से, और सुबह उठ के मैं फिर भूल गई, पर आज पॉसिबल ही नहीं हो पाता, आज तो ऐसी पॉसिबल ही नहीं था। बहुत जल्दी करेंगे फाइट फूड चैलेंज भी करेंगे, बिल्कुल दिमाग सब में करेंगे, बट अभी ना कल भी मार्केट जाना है, परसों भी जाना है, तो मतलब वो चीज होती है ना कि टाइम नहीं मिलता। ये आ गई है चाची की प्लेट, राजमा आलू गोभी शाही पनीर नहीं लिया, थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो रही है। नहीं मैं खाती नहीं शाही पनीर, मैं कम खाती हूँ, तो टेस्ट तो अच्छा ही होना वाला है, अच्छा ही होगा। तनिष का खाना भी कंप्लीट, चीट डे आज इन लोगों का, चीट मीन नहीं चीट डे लेते हैं ये। आलू गोभी दीदी से बढ़िया कोई नहीं बना सकता।
ये देख लो फिर से पकड़ा गया है। ये क्या लगा रहे सनाब इसके? ये स्पूली से क्या होता है इससे? इससे बस ब्रश होती है आईब्रोस। ये देख लो सब मजे कर रहे हैं और बस एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है अपने वाइवा के लिए। काफी मुश्किल घड़ी है, बीच बीच में से टाइम निकालेगी और पढ़ती रहेगी। ये बहुत अभी एक वीडियो शूट हुई है क्रेजी फैम, ये आपको जल्दी दिखेगी। काफी हजी खेल हुआ है उसमें, जल्दी दिखेगी, एनिवर्सरी में दिखेगी। एक आपको बताया था प्री वेडिंग शूट होता है, यहाँ पे हो रहा है पोस्ट वेडिंग शूट। और जल्दी हम क्रेजी इवेंट्स भी शुरू करने वाले हैं क्योंकि बहुत एक नए व्यू के साथ, नई साइट के साथ चल रहे हैं और नए एक्चुअली क्रेजी आइडियाज बहुत सारे हमारे पास। पूरे इवेंट की कोरियोग्राफर ये और खुशी, तो अभी सबको डांस सिखाएंगे। बैठ गए हैं सारे डांस सीखने के लिए, एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले सिखाई जा रही है मदर्स की परफॉर्मेंस, येरी आंटी और येरी दादी, इन दोनों घूम के चाची को ही आना था सेवियर बन के, यही सब कह रही होनी का बड़ा मैं। चल आ जा, इनको शुरू करवा जा, वो वाला ही। हां वही वाला। तेजी मैम प्रैक्टिस कर रहे हैं थोड़ा बहुत, दिखा यार बुआ और जीजा की शादी की एल्बम। इसके लिए भी बहुत कोई खास प्रिपरेशन चल रही है, उसके लिए निकाली गई है पुरानी यादें। यस, और अभी थोड़ी देर में केक काटेंगे। बहुत एक्साइटेड है यार, बच्चे इतने खुश हैं और इतना कुछ चल रहा है ना दिमाग में कि वो एग्जीक्यूट कितना कर पाते हैं वो नहीं पता, बट ठीक मार रही है पर कोशिश पूरी कर रहे हैं। और आप चाय पी लेते हैं, दीदी अब जिद कर रही है, अभी ग्रीन टी पी थी अब कह रही है। कल का प्रोग्राम बन चुका है, कल हम जा रहे हैं करोल बाग, कल करोल बाग जाएंगे। करोल बाग की मार्केट जीआई को एक बड़ी वहां जेंट्स का देख के आना है, डिसीजन ऐसे नहीं ले सकते। उसके बाद फिर मंडे जाना है हमने रजौरी मंडे फाइनल कर देंगे। ये चल रही है, ये देखो खुशी के बर्थडे की एल्बम दिखाई जा रही है। शाम होते ही खुशी को भूख लग गई। देखो क्रेजी मैम, ये अभी तनिष और मैं कुणाल के भाई, देखो छोटा होता था, अब देखो और आप देख लो ये कुर्ता पजामा बुटीक वाली आंटी ने बना के भेजा था। सचदेवा आंटी देख रहे हो ना, चाय आ चुकी है, साथ में स्नैक्स आ चुके हैं, शाम हो चुकी है। मेरी चीनी डलने गई है, चीनी एक्स्ट्रा चीनी पीती है। काम हो चुका है और ये देखो बेचारा खाने का वेट कर रहा है, बस इसकी डिमांड पे खाना आ रहा है बहुत कुछ। भूख नहीं है यार, नहीं खाएगा वो। और शौर्य बिल्कुल अपनी छोड़ दे, मैंने तो ऐसे बोला वो मेरे को गंदी तरह देखा अभी सब खा रहा होगा। 5 मिनट वगैरह भूख लग गई है। और ये देख ये कितना अच्छा एकदम, आओ ना अंदर, ओ और अंदर आओ तो ये लगता है मंदिर में आ गए यार। एक मंदिर का भी फील लगता है कि घर वाला मंदिर नहीं लगता, ये लगता है प्रॉपर मंदिर में आ गए हो। ये अभी ये कुंभ है मेरा, जय सच्चिदानंद, वही वाह। स्नैक्स आ चुके हैं, नूडल्स, चिली पोटैटो, मोमोज, सब कुछ आपको पता ही है, तो बार बार से एंट्री नहीं दिखाएंगे। हाँ, केक कटिंग दिखाएंगे आप, केक कटिंग पे ऋतिक के साथ, और कुछ अनाउंसमेंट भी है उसके साथ, बहुत ही अच्छी चीज है। हाँ, वो तभी बताएंगे, और जब ऋतिक भी अब उठ चुका होगा तब तक। कैसी चल रही है डाइटिंग शौर्य? ये चिली पोटैटो की प्लेट खाली हो गई और हाथ में चीट डे कैसा चल रहा है। ऋतिक आ चुका है वीडियो कॉल पे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। केक लग चुके हैं, कैमरा चेंज करना, आ करो वो देख रहा है, अरे बेचारा आए आ कर खूब तरक्की करे और सबको जल्दी जल्दी कनाडा बुला ले। इसका स्पेशल अनाउंसमेंट जो बोले अनाउंसमेंट है वो तो हो चुकी, जो होनी थी। ऋतिक तू करेगा या हम करें? क्या चीज वो जो तूने लॉन्च किया नई चीज, तू बोल दे अपने मुंह से प्लीज। इसने कनाडा में एक साइट लॉन्च की है, खुशी कौन सी? खुशिया.ca कनाडा में इंडियन कपड़ों की, तो बहुत, और ये हो चुका था बट हमें लगा इसके बर्थडे पे अनाउंसमेंट करेंगे, तो बस इसका लिंक लग चुका होगा। तो जो कनाडा में है प्लीज यार, अस्मिता स्पेशली तुम कनाडा में हो तो कभी जरूरत पड़े तो कभी ऋतिक से तुम कभी भी आपस में मिल सकते हो यार, कुछ चाहिए हो तो उसकी साइट है, खूब सारा प्यार दो उसको। हालांकि इंडिया में रहके हम लोग नहीं मंगा सकते, बट ये कि और भी जितने भी लोग कनाडा से हैं सब शॉप कर सकते हैं, तो यार बेस्ट विशेस तो दे ही सकते हैं ना। कांग्रेचुलेशन दिखा रहे हैं आपको, ये देखो साइट दिखाओ इसकी, खुशियां
और बाकी ये सारी तेरे को खुशियाँ लेके आए तेरे लिए। ये है वेबसाइट, ये सारी इन्होंने खुद बनाई है, फ्रेंड्स ने, सबने मिलकर। और अगर आप क्रेजी फैम का नाम लेंगे तो और डिस्काउंट मिलेगा रितिक? कोई कूपन कोड है क्रेजी फैम के नाम से? बिल्कुल बना लेंगे वगैरह, बिल्कुल मिलेगा क्रेजी फैम का, आप रेफरेंस देंगे तो। चलो जोक सपाट, इसको खूब सारी ब्लेसिंग दीजिए ताकि बच्चे खूब तरक्की करें यार। बच्चों को अपने सामने बढ़ता फलता फूलता देखना ही माँ बाप का। वेबसाइट एक बार आप सारे चेक करना, जरूर जाना वेबसाइट। हैप्पी बर्थडे। चलो आज का दिन बहुत अच्छे से निकल गया और बहुत मजा आया, वोटिंग करके भी मजा आया और पार्टी करके भी मजा आया। तो आज का शाउटआउट जाता है संयम गुप्ता ब्लॉग्स को, थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, और कमेंट्स करते हो बहुत अच्छा लगता है, दिल से शुक्रिया आप लोगों का। तो एंडिंग कर देते हैं, प्लीज।